YouTube के ऊपर एक अच्छी अर्निंग करना ही सबका ख्वाब होता है और सब चाहते हैं कि YouTube के ऊपर एक अच्छी अर्निंग कर सकें लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि YouTube से पहली अर्निंग कितनी आती है और तुम भी जानने को बहुत ही उत्सुक हो कि मेरी पहली अर्निंग कितनी आई है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरी फर्स्ट अर्निंग कितनी आई और इस अर्निंग के अंदर इतना डिले हुआ क्यों हुआ क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं हमारी दस सब्सक्राइबर पर पहली अर्निंग आ जाती है काफ़ी कुछ और काफ़ी कुछ कह रहे हैं तो हमारी अर्निंग इतनी डिले क्यों आई आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा ना सिर्फ इस अर्निंग के रिलेटेड जब अपना गूगल एडस का अकाउंट बनाया था मोनिटाइजेशन के लिए मुझे याद नहीं रहा कि जिस नेशनल आईडी कार्ड से या जिन डिटेल्स का यूज करते हुए मैं एक आईडी बना रहा हूं इससे ऑलरेडी मेरी एक आईडी मौजूद थी यूट्यूब के ऊपर एडसन्स की जी हाँ बिल्कुल वो ऑलरेडी एक आईडी मेरी मौजूद थी जो कि आज से 10 साल पहले मेरे एक मोन्टाइज चैनल की आईडी थी मैं भूल चुका था इसलिए मैंने डुप्लीकेट आईडी बनाई जिससे हुआ क्या कि मेरी वो पहले वाली आईडी और ये वाली आईडी दोनों ही एडसन्स ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि एडसन्स के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप एक ही टाइम पर दो आई नहीं बना सकते तो सम हाउ कर मैंने उस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट कर लिया उसके बाद जब बारी आई हमारे एड्रेस की तो सबसे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आया

मेल बॉक्स था जो मुझे याद था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब उस मेल बॉक्स के ऊपर चार अटैम्प के बाद भी मेरा पिन नहीं आया अब मेरा पिन क्यों नहीं आया इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा पिन का एड्रेस ही गलत था अब वो कैसे गलत हो गया क्योंकि मैं तो यहीं पर रहता हूं तो फिर मुझे कैसे नहीं मालूम हो सकता कि मेरा जो मेल बॉक्स है वो कौन सा है लेकिन जब मैं मालूम करने गया सदर ब्रांच के अंदर जो हमारा एरिया है वो सदर ब्रांच का लगता है जब सदर ब्रांच में मैं मालूम करने गया कि अभी तक मेरा मेल नहीं आ रहा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब आपका जो एड्रेस है है ये ये तो अब अब शिफ्ट हो चुका हमारे अंडर में तो आता ही नहीं है ये अब आपके क्लिफ्टन के अंडर में आता है तो आपको वहां जाना पड़ेगा मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि यार ये क्या मेरे चार मेल्स आ चुके और अब तक मुझे मालूम ही नहीं पड़ा तो उसके बाद मैं दोबारा गया क्लिप्टन वाले मेल बॉक्स के पास यानी कि डाक खाने के अंदर और उनको जाके पोस्ट ऑफिस वालों को मैंने बोला कि भाई इसी तरह से मेरा एक मेल आना है और जो वो डाक मैन था उसका मैंने नंबर ले लिया और नंबर लेने के बाद फाइनली कुछ टाइम के बाद मेरा मेल आ ही गया तो इस तरह से थोड़ी मेरी पेमेंट डिले हुई और उसके बाद सेकेंड जो सबसे बड़ा रीज़न था मेरा पेमेंट डिले होने का वो रीज़न था मेरा बैंक क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बाकी जितने भी बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जो है उसके अंदर कटौती करते हैं डॉलर्स तो मुझे मालूम हुआ कि वन ऑफ़ द बेस्ट बैंक है अगर आप हैं तो वो भी काफी अच्छा, है, भी अच्छा है, लेकिन ओपन करने का सोचा अब जब मैं एमसीबी में अकाउंट ओपन करने गया तो मैं ऑलरेडी फ्री लैंसिंग भी कर रहा था तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं एक फ्री लैंर अकाउंट ओपन कर लेता हूं, जिससे होगा कि मेरा फ्री लैंसिंग का काम भी चलता रहेगा मेरी इंटरनेशनल फ्री लैंसिंग की पेमेंट उसमें में आती रहेगी और साथ ही साथ मेरी यूट्यूब की अर्निंग भी आती रहेगी लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि मेरे पूरे एरिया में जहां पर मैं हूं, इस पूरे एरिया में कोई एक यूट्यूबर भी नहीं है इसलिए जिस ब्रांच में मैं गया उनको तो नॉलेज ही नहीं थी कि फ्रीलैंसिंग या यूट्यूब के बारे में अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं सो फाइनली बहुत ज्यादा बात को लंबा ना करते हुए आपको बताता हूं कि मुझे सेकंड जो प्रॉब्लम आया वो मेरे बैंक ब्रांच की तरफ से आया क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस चीज़ को प्रोसेस किस तरह से करें फिर उसके बाद मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप्स भी मिलना स्टार्ट हो गई तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप की जो रिसिप्स थी वो मैंने अपने बैंक को दिखाई तो जिसके बाद जाके मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ और मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया अब बैंक अकाउंट तो ओपन हो गया ये पेमेंट्स मुझे पिछले मंथ आनी थी लेकिन पिछले मंथ भी नहीं आ सकी बिकॉज मेरा जो बैंक था वो इस चीज़ को वेरीफाई ही नहीं कर पा रहा था कि ये पेमेंट्स हमारे अकाउंट में आएंगी कैसे सारे झमेलों को क्लियर करके फाइनली ये पेमेंट आ ही गई और ये पेमेंट हमारे टू मंथ्स की है और इस पेमेंट से ये साबित होता है कि आप देखें मुझे कितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा अगर मेरी जगह कोई दूसरा यूट्यूबर होता वो कब का इस पेमेंट को या फिर इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा चुका होता और मैं एक टाइम पे सोचने भी लग गया था कि यार मुझे इतनी नॉलेज है मैं ऑलरेडी टेन इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर मेरे जैसे इंसान को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं तो डेफिनेटली अगर एक नया बंदा है तो उसको कितना ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है अगर इन चीजों के ऊपर आई होप के इन फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर आपको अच्छा अर्न करना है और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं किसी भी इन्फ्लेशन की वजह से या किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से तो फिर आपको एक हैंडसम अर्निंग करनी ही पड़ेगी और अच्छी अर्निंग के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा स्टार्ट में हमेशा मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन आपकी हार कभी नहीं होती अगर आप सही हो तो इसलिए अगर आप भी यूट्यूब पर काम कर रहे हो और आपकी होप टूट रही है और आप सोच रहे हो कि आप अपने YouTube चैनल को छोड़ दो तो मैं बोलूंगा आप गलत कर रहे हो तो चले हम इस पेमेंट को अभी काउंट करते हैं और आप मेरे साथ काउंट कीजिएगा ठीक है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये ठीक है तो आप हमें बताएं कि ये क्या है और ये कितनी पेमेंट है ये आप ही बताएंगे और बाकी स्क्रीन शॉट मैंने आपको दिखा दिया आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितनी पेमेंट है और ये मेरी टू मंथ्स की पेमेंट है तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूं कि आप भी अर्निंग कर सकते हैं एक टाइम था जब मैं ये वाला यूट्यूब चैनल पिछले साल छोड़ने वाला था कैन यू इमेजिन ये पिछले साल मैं इस वाले यूट्यूब चैनल को डिलीट करने वाला था अगर मैं डिलीट कर देता तो माइट भी पॉसिबल आज ही अर्निंग पॉसिबल ही नहीं होती तो इसलिए अगर आप भी अपना मोटिव खो रहे हो अगर आप भी अपना फेथ खो रहे हो तो आप इसको देख के ग्रो हो सकते हो टाइम लगता है अगर आपका चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा अगर आपके चैनल पे भी टाइम लग रहा है तो ये मत सोचो कि ये कभी ग्रो नहीं होगा ग्रो होगा लेकिन टाइम लगेगा बहुत जल्द और भी वीडियोज लेकर आने वाला हूँ और यूट्यूब ऑटोमेशन का एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मैं यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट करूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक फेसलेस चैनल बना सकते हैं और कौन 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 सी निशीज ऐसी हैं जो आपको हाई आरपीएम दे सकती हैं और क्या क्या आप कर सकते हो यूट्यूब ऑटोमेशन के थ्रू अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी सीरीज एक बनाऊं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं टिल देन टेक केयर स्टे मोटिवेटेड